गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड आई कैन सी फ्यू पीपल आर जॉइनिंग माय कम्युनिटी. सो आप लोग को भी बहुत 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 वेलकम. सो आज का ब्लॉग मैं इस रूम से स्टार्ट कर रही हूँ. बेसिकली मैं स्टार्ट करती हूँ एंड कुछ देर बाद आने वाले हैं काम करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू एंड वेस्टिंग टाइम चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ आप लोग को अपडेट देता है. फिलहाल आप लोग को रूम का कंडीशन दिखा देते हैं एंड आप लोग को दिखा देंगे मैंने सब कुछ मेरे स्टैंड चैनल कहाँ रखा है. सो या लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी बहुत बड़ा. एंड दुर्गा पूजा सामने आ रहा है तो दुर्गा पूजा का भी शॉपिंग होगा, बाहर घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ होगा, उसका भी ब्लॉग बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है. सो वो मिस मत करना. एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे एंड बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दोगे तो फिर आप लोग एक भी ब्लॉग मिस नहीं करोगे एंड यू गाइज विल बी द फर्स्ट टू सी माई ब्लॉग. सो या आप लोग मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके. फिलहाल अभी रूम का कंडीशन कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे मेरा स्टैंड रखा हुआ है बिकॉज कभी कभी मैं टाइम लैप्स मूड में शूट करती हूँ, कभी कभी नहीं मैं शूट करती हूँ, तो इसलिए मेरा स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ है. एंड यहाँ पे गंदा है वो मैं नहीं दिखाती हूँ बिकॉज एक बार में ही सब कुछ फेंकेंगे. यहाँ मेरा मिरर है सो हियर गोज माय मिरर. एंड यहाँ पर मेरा स्टैंड वैंड रखा था वो उस घर पर है, यहाँ पर नहीं है. सो वो लोग आएँगे काम करेंगे, आज ही फिक्स कर देंगे एंड आप लोगों से शेयर करेंगे फाइनल रिजल्ट. सो सिंस अ लॉन्ग टाइम मैं अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल उसको क्या बोलते हैं एक्टिवेट करने को थी, लाइक आई वाज अबाउट टू ओपन. तो मैंने दो से चार बार बहुत बार मैंने ट्राई किया तो नहीं हो रहा था. फाइनली माय गूगल अकाउंट इज़ रिव्यूड, लाइक माय बिजनेस अकाउंट इज़ रिव्यूड. एंड यहाँ पे मैं गूगल सपोर्ट टीम से बात कर रही हूँ तो कर लेते हैं. एंड ऑलरेडी 12 बज गए हैं, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं. वो लोग ने कहा हाफ एन आवर में आते हैं. पापा ने फ़ोन हाफ एन आवर नहीं वन आवर तो पापा ने 11 बजे फ़ोन किया था तो 12 बजे शायद वो लोग आ जाएंगे. तो मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आई गेट बैक टू यू गाइज. सो मेरा नहाना हो गया है, नाच मैंने शैम्पू किया है एंड वो स्किन केयर आई यूज सेटाफिल आप लोगों को पता ही है. एंड जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को पता चल जाएगा सेटाफिल एंड लाशेड का सनस्क्रीन, इसलिए मैं उतना ग्लो कर रहा है जो भी. अभी मैं लैपटॉप में थोड़ा सा मेरा वीडियो मैंने पोस्ट किया है उसका ही मैं थोड़ा ही सब कुछ देख रही थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो. एंड अभी मैं लंच करूँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़रूर की भूख लगी है. मुझे इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लाइक मेरा काम पूरा अटका हुआ है एंड आई एम वेरी फीलिंग वेरी अनोइंग. सो फटाफट खा लेते हैं, क्या बना है वो आप लोगों से शेयर करते हैं. सो या प्लीज़ इग्नोर माई हेयर. अभी मैं दूसरा शैम्पू यूज़ करी मैट्रिक्स का या फिर मैं डिफेबुलस का यूज़ नहीं कर रही हूँ. करंटली आई एम यूजिंग खादी एंड थोड़ा बहुत बेटरमेंट है. एंड मेरे हेयर वॉश के दिन ही बहुत हेयरफॉल होता है, उसके बाद नहीं होता है. एंड जब मेरा बाल गंदा हो जाता है एंड डैंड्रफ हो जाता है तब मेरा हेयरफॉल होता है, उसके पहले नहीं होता है. सो खा लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं. एंड मैं ट्रीटमेंट के लिए भी जाऊँगी नेक्स्ट वीक एंड आप लोग के साथ वो एक अलग वीडियो शेयर करेंगे एंड व्लॉग भी शेयर करेंगे. सो क्या बनाया लंच में वो आप लोग को बैक कैम ऑन करके दिखाते हैं. सो ये रहा मेरा लंच एंड ये है फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस एंड आलू दम. एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ फियर फाइल्स, ये गलती से म्यूट होके है. सो इसमें नगमा है तो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में. आई नो बच्चे लोगों का चीज़ है फिर भी मैं देख रही हूँ. लाइक मुझे बहुत क्रेज़ है फियर फाइल्स आहट ये सब कोई है. पहले होता था, फिर वो होता था ना वो क्या बोलते हैं वो छोटू सा वो आदमी था उसको क्या बोलते हैं, एक किलविश वाला होता था, फिर शक्तिमान ये सब देखते. और एक था गाड़ी में करके आता था, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ. जब तो मुझे याद नहीं आता है तो मेरा क्या बोलते पेट में आ रहा मुँह में नहीं आया. एनीवेज सो खा लेते, खाते खाते सोचते हैं फिर आप लोगों को मैं बताऊँगी कि वो चीज़ क्या था. मैं बहुत ज़्यादा वो देखती थी, मैं याद करके आप लोग डेफिनेटली बताऊँगी. सो पहले खा लेते बिकॉज बहुत ज़रूर की भूख लगी है एंड इट्स ऑलरेडी 3, बहुत लेट हो गया है. एंड ये इन्जॉय करते हैं एंड खा लेते हैं. ओ हाँ मुझे याद आ गया, वो था विकराल और गबराल. मैंने अभी तक खाना भी स्टार्ट नहीं किया है तो बिना खाना स्टार्ट किए मुझे याद आ गया, मैंने आप लोगों को बता दिया. वो था विकराल और गबराल. तो या अभी खा लेते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी है. पढ़ाने जाऊंगी, उसके पहले दीदा के घर आए हुए हैं. मैं बेल्ट बाज लो एक तो ना बेच, तो दीदा आएगी, दीदा से कुछ सामान लेना है कि भौंक रहा है आई एम बैक होम. मैं पढ़ाने गई हुई थी एंड इट्स ऑलरेडी 6:10 एंड वो लोग आए हैं काम करने. मैं आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखा दूँगी कहाँ तक काम प्रोसेस हुआ है. वो लोग बहुत पहले ही आ गए थे, जब हम लोग निकल रहे थे उसके 10 मिनट पहले आ गए थे. एंड फाइनली सिलेबस कंप्लीट हुआ है एंड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. एंड मेरा यहाँ पे मम्मी ने देखो मेरे लाइट के ऊपर मेरा ये मैं इसे अपना बाल सुखाती हूँ, ये सुखाने को दिया. मेरा सब सॉफ्ट बॉक्स वहाँ पे डमी ऐसे रखा हुआ है, लैपटॉप अलमीरा में है. एंड आप लोगों को मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखा दूँ, थोड़ा सा ब्लड दिख रहा होगा बिकॉज मेरा स्क्रीन टूट गया है, स्क्रीन गार्ड मुझे ये चेंज करना है. फ़ोन भी लेने वाली हूँ. एंड उस दिन मैं कहाँ गई थी, उस दिन मैं आईफोन देखने गई थी. सब कुछ मैं आप लोग बताऊँगी, पहले देखते क्या होता है क्या नहीं होता है आपको सब कुछ बताऊँगी. फिलहाल आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके फॉर्म का कंडीशन दिखाते हैं. यहाँ पर यंश पढ़ाई कर रहा है
यश का ट्यूशन है। लो डैडी फोन के उठाओ, लो 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 उठाओ उठाओ उठाओ, बात करो डैडी से, उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, कट जाएगा ये बात, उठाओ 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 जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। अरे उठाओ, यहाँ पे डैडी से वो अपना बात कर रहे हैं, काम का कंडीशन कुछ ऐसा है। लोगों ने इतना साफ आपको नजर आ रहा है, अभी पूरा धूला हो गया था, पूरा ये मेरा ढक गया था एंड अभी काम फिनिश हुआ है, तो अभी इतना तक ही बना है। अभी मैं आप लोगों को पूरा व्यू नहीं दूंगी, आप लोगों को मैं कंप्लीट व्यू बाद में दूंगी। एंड यहाँ पे हटेगा, यहाँ पे मिरर लगेगा एंड यहाँ पे मैं अपना LED लाइट लगवाऊंगी। एंड अभी मिरर बहुत गंदा था, सामान सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। अभी पापा के संग वो लोग बात कर रहे हैं अंकल, सो या कल से ही आई गेट बैक टू वर्क। बहुत दिन से मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ, कल से पक्का आई गेट बैक टू वर्क। सो दिस इज़ द कम्प्लीट थिंग। अभी मम्मी ने अभी साफ़ किया, कल मेरा कमर दुख गया था, कल मैं पूरा हाँप गई थी, तो मम्मी ने बोला तुम छोड़ो मैं साफ कर लेती हूँ। सो या आई एम सो हैप्पी। बेसिकली मेरा तो बात था ऑनलाइन लेने का, मैंने पापा को कहा भी था कि अमेजोन से ले लेते, फिर पापा ने कहा नहीं कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं होगा, स्पेशली ये सब चीज़, बिकॉज हमें तो 1-1.5 साल 2 साल चलाना है नहीं, हमें तो एटलीस्ट आराम से कुछ साल अच्छे से चलाना है, यूज़ करना है, तो हम लोग कस्टमाइज़ करके बनवाएंगे। तो या बेसिकली वो तो मॉडिफाई होने को था, मॉडिफाई में कस्टमाइज़ होता, पर उसके बाद पूरा चीज़ ही चेंज हो गया, पूरा गेम लास्ट वर्ल्ड में चेंज हो गया। एनीवेज सो मैं कस्टमाइज़ करके चीज़ बनवाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये मेरा मिरर भी कस्टम मेड है, मैंने ऑर्डर दिया था बाबा यांश। ये देखो ये आगे बढ़ा दी। सो क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे बोला करो, क्या कर रहे हो, एक तो ब्लॉग। सो या मेरा मिरर भी कस्टम मेड है, मेरा ईच एंड एवरीथिंग कस्टम मेड होता है, स्पेशली ये सब। तो मेरा वैनिटी भी कस्टम मेड है, फिलहाल अभी इसमें काम चल जाता है और बहुत कुछ काम होने वाला है, सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। मैं ऐसी हूँ ना, मैं अपना रील कभी कभी खुद ही चेक करती हूँ, लाइक मुझे अच्छा लगता है, देखती हूँ कि इसमें प्रोग्रेस हुआ है, किसमें क्या हुआ है, तो बहुत कुछ मैटर होता है यूट्यूब करने में। एंड यहाँ पे आ गया है मेरा डिनर। सो ये मेरा फेवरेट डिनर है, लाइक मुझे बहुत पसंद है रोटी, एंड वो दाल में अंडे दे के मम्मी बहुत बहुत यम्मी बनाती है, जस्ट कांट एक्सप्लेन। एंड इतना ज़्यादा गर्मी है ना, AC चल रहा है, लाइक क्या ही बोले, बहुत गर्मी है। एंड मुझे डस्ट एलर्जी से जुकाम हो गया है। सो मैं दोनों चैनल के मैं अपना एनालिटिक्स कर रही थी, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, वी आर ट्राइंग टू ग्रो सून। सो या खा लेते हैं अपना डिनर, बिकॉज बहुत जोरों की भूख लगी है। तो दोपहर को, मतलब बेसिकली दोपहर को लेट हो गया था उन लोगों को आने में, बिकॉज कल जो आए थे उनकी बेटी का आज बुखार आ गया था बहुत तेज़ी से, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो वो लोग लेट से आए थे। बट आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने आज काम पूरा 90% कम्प्लीट कर दिया, 10% यानी कि बाकी है, बहुत काम ही बाकी है। एंड वहाँ पे मिरर भी लगाना है, तो ओवरऑल 20-25% काम बाकी है। एंड मेरा डिनर हो गया, अभी मैं व्लॉग एंड कर दूँगी। अभी मैंने लास्ट मोमेंट में बहुत मैंने वीडियो पोस्ट किया है, लाइक मैंने सोचा था आज कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं वहाँ पर बैठ के वीडियो पोस्ट करूँगी, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो पोस्ट कर दिया, बिकॉज करना था, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो रहा है इसलिए। एंड या अभी व्लॉग को एंड कर देते हैं। सो आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया, बिकॉज सुबह का टाइम में मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी, कोई बात नहीं, सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड यहाँ शिक्षा करके गाना चला रहा ताकि मैं कॉपीराइट खा जाऊँ। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फाइनली बन गया है, कल थोड़ा बहुत फिनिशिंग हो जाएगा, मिरर फिक्स हो जाएगा एंड या वी आर सॉर्टेड। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू व्लॉग, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। एंड कल का दिन बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज घर में बहुत सारा काम हो रहा है। एंड मिलते हैं कल, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, बाय।